आमिर साहब का फ्लो हाइव है, ये इनके पास पड़ा हुआ है सरसों के ऊपर और तकरीबन एक महीना हो गया है इसको सरसों पे कलेक्ट करते हुए। हनी इस वक्त इसने कुछ ना कुछ शहद इकट्ठा किया हुआ है। मैंने ये तीसरा फ्रेम निकाला है अभी इनका और इसके अंदर तकरीबन होगा एक किलो के करीब या उससे कम शहद मौजूद है अभी। हालांकि सीज़न जो है ना अभी सही तरह से स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे एक महीने के अंदर ये बिल्कुल हनी तैयार हो जाएगा। हमने ये किया हुआ है कि इस फ्लो हाइव को जो कि डबल स्टोरी है और आठ फ्रेम वाला ये है, ऊपर इसके छः फ्रेम होते हैं फ्लो वाले और नीचे आठ फ्रेम होते हैं, ये क्वीन स्टूटर के साथ हमने अप्लाई किया हुआ है और इसके अंदर जो हनी तैयार होता है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन तैयार होता है। इसके अंदर कोई ब्रूड किसी किस्म का जो है ना उसका अमेजिश नहीं होती है। तो जब तैयार होगा हनी तो इसका मॉइस्चर कंटेंट जो है प्रॉपर 18% के ऊपर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। हम इंशाल्लाह इसकी हार्वेस्टिंग उस वक्त करेंगे जब बाहर से मक्खियों ने काम करना बंद कर देना है और सरसों ख़त्म हो जाएगी, फरवरी का महीने का एंड होगा, या फिर यहाँ पर अगर फ्लो आगे चलता रहा तो हम लोग शायद मार्च तक वेट करें। तो फिर आपको दोबारा इसकी एक नई सीरीज़ दिखाएंगे कि कितना इसने फ्लो इकट्ठा किया है। नहीं, एक जो कॉम है इसके अंदर तकरीबन 2.5 किलो के करीब जो है ना वो शायद आ जाता है। तो अगर ये सारे के सारे छत्ते भर गए आमिर साहब के तो फिर 15 kg प्योर, एब्सोल्युटली प्योर हनी विदाउट द इन्वेंशन ऑफ ब्रूड वो आपको मिल जाएगा।